इधर रायपुर की बात कर लेते हैं। रायपुर में किसानों का पैदल मार्च शुरू हो गया है। किसानों को मंत्रालय के पास रोक दिया गया है। बैरिकेड्स लांघकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। पैदल मार्च में हजारों की संख्या में एनआरडीए से प्रभावित किसान हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर की इस वक्त की। हजारों की संख्या में किसान मंत्रालय तक पहुंचे, लेकिन किसानों को रोक दिया गया, ग्रामीणों को रोक दिया गया। दरअसल एनआरडीए को लेकर बीती 3 जनवरी से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 60वां दिन है प्रदर्शन का और अब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई। 11 सूत्रीय उनकी मांगे हैं। 8 पर बातचीत हुई है। तीन की वार्ता हुई है। कृषि मंत्री चौबे लगातार बातचीत की थी। वन मंत्री थे उनके साथ में, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। आज फिर किसान धरने पर बैठे हैं। आज फिर किसान पैदल मार्च कर रहे हैं। रायपुर चलेंगे, वैभव पांडे से बात करेंगे। वैभव पांडे, क्या तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? किसानों की तादाद कितनी, जरा तस्वीरें दिखाई है। देखिए शुभम, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 60 दिनों से आंदोलन चल रहा है और अभी भी किसानों की दो बड़ी मांगे जो है, एक तो 1200 स्क्वायर फीट भूखंड का है और दूसरा आवासीय पट्टा का। तो ये मांग पूरी नहीं होने से किसान खासे नाराज है और यही वजह है कि एक बार फिर आज किसानों ने सख्ती प्रदर्शन किया पैदल मार्च के जरिए। नवा रायपुर जो एनआरडीए का परिसर है, वहां से किसान पैदल मार्च करते हुए मंत्रालय की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ दूरी पर ही पुलिस ने रोक दिया, जहां पर किसान धरने पर बैठ गए और काफी देर तक हंगामा वहां पे चलता रहा। अब जाके किसान जो है थोड़े शांत हुए हैं और वो वापस अपने धरना स्थल की ओर लौट रहे हैं। वैभव पांडे, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 3 दौर की वार्ता हुई, अब तक बातचीत नहीं बन पाई, 8 मांगे सरकार ने मान ली थी, ये बात भी सामने आई थी, प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा, राकेश टिकैत से मुलाकात की, तस्वीरें समझ नहीं आ रही, आखिर पैदल मार्च क्यों करना पड़ा किसानों? देखिए शुभम, 8 मांगे पूरी नहीं हुई है। 8 में से 6 मांगे पूरी करने की बात सरकार कह रही है। हाँ। लेकिन उन 6 मांगों को लेकर के भी किसान संतुष्ट नहीं है। कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारी शर्तें जोड़ दी गई है। हाँ। जिसे लेकर के हम मानने के लिए तैयार नहीं है और किसान कह रहे हैं कि हमें 2 बड़ी मांगे पहली पूरी करिए। एक तो 1200 स्क्वायर फीट भूखंड देने का, जिसमें आप शर्त मत रखिए। हाँ। और दूसरी मांग है आवासीय पट्टा को लेकर, जिसे आप अब तक नहीं दे रहे हैं। सालों साल से बसाहट है, कोई कह रहा है कि हम 100 सालों से हैं, कोई कह रहे हैं हम 60-70 सालों से हैं, लेकिन उसका पट्टा हमें नहीं दिया गया है। तो ये मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम नहीं हटने वाले हैं। आज की अगर आंदोलन की बात करें तो आज किसान धरना स्थल से निकले थे मंत्रालय की ओर, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। किसान वापस लौटे और उनके लिए एक पंडाल लगाया गया है पूरे गांव के हिसाब से, यानी कि 27 गांव के हिसाब से। वहां पे इस वक्त किसान अपना आवेदन और अपील प्रस्तुत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव पांडे खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो किसान पैदल मार्च आज यहां पर कर रहे हैं, हजारों की संख्या में किसान यहां मौजूद है। आगे